साथियों नमस्कार। आज की वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, भविष्य निधि फिक्सिंग है। 2.59 लाख कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट पैन आधार से लिंक नहीं है। इसका खामियाजा कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन DPFO के दस्तावेजों के प्रदेश के करीब 7 से 8 लाख कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट पैन और आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं हो पाए हैं। विभाग से रिकॉर्ड में कर्मचारियों के जरूरी दस्तावेज मिक्सिंग बता रहे हैं। इनमें केवल भोपाल अंचल के ही 2,59,000 कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे कर्मियों की संख्या भी बहुत है जिसके खाते KYC से अपडेट नहीं हुए हैं। इसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। विभागीय सूत्रों का कहना है, ऐसे कर्मचारियों को ऑनलाइन क्लेम और अन्य लेन देन में दिक्कत आएगी। PF खाते के बारे में अपडेट संबंधी जानकारियां ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी। EFO द्वारा 1.5-2 साल में प्रदेश में सभी नियोक्ताओं को कर्मचारियों के PF खातों को KYC दस्तावेज से जोड़ने के बारे में कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। प्रदेश के 7 से 8 लाख कर्मचारी, यह चौंकाने वाले आंकड़े केवल भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के ही नहीं बल्कि प्रदेश में अन्य कर्मचारियों में भी मौजूद हैं। प्रदेश के 6 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर और ग्वालियर में EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनमें केवल भोपाल से जुड़े आसपास के जिलों में लाखों कर्मचारियों के खाते पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। इंदौर में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 7 से 8 लाख बताई जा रही है। नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन क्लेम। कर्मचारी का PF खाता यदि पैन आधार अथवा KYC से संबंधित अन्य दस्तावेजों से अपडेट नहीं है तो वह ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएगा। एक संस्थान की नौकरी छोड़ता है तो PF खाते से पैसे निकालने के लिए उसे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी नियोक्ता की सहमति लेना होगी। पैन आधार एवं KYC संबंधी औपचारिकताएं पूरी हैं और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN एक्टिवेट हो तो कोई भी कर्मचारी EPFO के उमंग ऐप के जरिए आवेदन कर सकेगा। EPFO के इस ऐप की मदद से घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकता है। उसे नियोक्ता की सहमति अथवा उसके दस्तखत की जरूरत नहीं रहेगी। इनका कहना है, हाँ या सही है, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े जिलों में 2.59 लाख कर्मचारियों के खाते अब तक पैन आधार एवं KYC दस्तावेजों से लिंक नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे कर्मचारियों की बड़ी संख्या है। इस संबंध में नियोक्ताओं को नोटिस भी भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए।